39 वाले से हम शुरू करेंगे। अमाउंट है 750 और जो रेशो है वो 3:2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सम ऑफ रेशो करते हैं, 3 + 2 ये आ जाएगा 5। तो फर्स्ट शेयर पहला जो हिस्सा है उसमें रेशो की पहली वैल्यू बटा सम ऑफ रेशो और मल्टीप्लाई वो रकम होती है। ठीक है, तो 3 × 7 = 50 तकसीम 5, तो ये आ गया 450। ऐसे ही जो सेकंड है, सेकंड वैल्यू या सेकंड शेयर, उसके लिए रेशो की दूसरी वैल्यू बटा सम ऑफ रेशो ज़रबे वो रकम, ये आ जाएगा 300। ठीक है, सेम 40 है, अमाउंट जो है वो है 30,000 और जो रेशो है 4:6, इसका सम करेंगे तो अब ए और बी में है, तो ए का शेयर पहली वैल्यू बटा सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई वो अमाउंट, तो ये आ जाएगा 12,000। उसके बाद बीज शेयर, बी का हिस्सा, शेयर की दूसरी वैल्यू बटा सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई वो रकम जो डिवाइड करनी है, तो ये 18,000 आ जाएगा। बिल्कुल सेम 41 वाला है, अमाउंट है 6,000 और जो रेशो दिया गया है वो है 2:3, तो सम ऑफ रेशो कर लेंगे, ये आ गया 5। तो फर्स्ट शेयर पहला हिस्सा, अब रेशो की पहली वैल्यू बटा सम ऑफ रेशो ज़रबे वो रकम, ये आ जाएगा 2,400। ऐसे ही सेकंड शेयर, दूसरी वैल्यू बटा सम ऑफ रेशो ज़रबे 6,000, ये आ जाएगा 3,600। ठीक है, उसके बाद है जी 42 वाला। अब यहाँ है जी, तीन बंदों ने इन्वेस्ट किए हैं इतने इतने पैसे और ये प्रॉफिट है, उनको डिवाइड करना है। इन्वेस्टमेंट का पहले हम रेशो निकाल लेंगे, 18,000 है, 12,000, 6,000, 3 3 0 काट दें आपस में तो ये रह गया 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18, ये आ गया हमारे पास रेशो। सम ऑफ रेशो कर लेंगे, 3 + 2 + 1 ये 6 आ गया। अब अमाउंट जो है या प्रॉफिट जो है वो हमें बताया गया है कि कितना है, 36,000। अब पहले का शेयर, फर्स्ट शेयर पहले का हिस्सा, रेशो की पहली वैल्यू
बटा सम ऑफ रेशो ज़रबे जो रकम डिवाइड करनी है। ठीक है, तो सिक्स आर 36, तो ये आ जाएगा 18,000। ठीक है, उसके बाद सेकंड शेयर बुक पे गलत किया गया। ठीक है, वो वाला ना करना आप लोग, क्योंकि ये 6 होता है, उसने वहाँ 7 लिखा हुआ है। तो ये आ जाएगा 12,000। और थर्ड शेयर, तीसरा हिस्सा, 1/6, यानी इधर रेशो वाली वैल्यू होती है, नीचे सम ऑफ रेशो और ज़रबे जो रकम डिवाइड करनी होती है, ये 6,000 आ जाएगा। ठीक है, अगर 43 में हमें ए रेशो बी रेशो सी निकालने के लिए कहा गया है। अब ए रेशो बी में दिया गया 3-5 और बी सी में दिया गया 6-3, 3-6 18, 6-5 30, 5-3 15। ठीक है, इसको इसके साथ करना होता है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। सेम टेबल में आ रहे हो, कटिंग कर सकते हैं, 3-5 15, 3-10 30, 3-6 18। ऐसे ही नेक्स्ट वाला है ए रेशो बी रेशो सी। अब यहाँ हमें क्या कहा गया है कि ए जो है 1/3 है बी का, बी हाफ है सी का। ठीक है, अब अगर यहाँ देखा जाए, इस बी को अगर मैं इधर लाऊँ तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 3 है। ऐसे ही इसमें सी इधर लाएंगे तो बी की वैल्यू 1 बनेगी और सी की वैल्यू 2 बनेगी। लें जी, 1 को 1 से करेंगे 1, 3 को 1 से करेंगे 3, और फिर 3 को 2 से करेंगे 6। ठीक है, ये हो गया 44। उसके बाद है जी 45, उसमें भी ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। तो ए रेशो बी है 2 और 5, आगे है 10 और 15। 2 को 10 से करेंगे 20, 10 को 5 से करेंगे 50, 15 को 5 से करेंगे 75। सबको सेम टेबल से काट सकते हैं, 5 4 20, 5 10 50, 5 1 5, 5 5 25। उसके बाद 46 वाला है, कहता है इसको फ्रैक्शन में करें, 48.5%। तो बच्चे जब परसेंटेज ख़त्म की जाती है ना, तो नीचे 100 लग जाता है। ठीक है, क्या लग जाता है, 100। और जब हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 10 लगेगा, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब काट ले, 5 9 45, और फिर 5 9 45, और नीचे 5 2 10, ऊपर आ गया। अच्छा, ये कितना आएगा, 5 45, 6, 99 आता है, और नीचे 200 आ जाएगा। ठीक है, हाँ 5 7 35 35 होता है, तो 7 आएगा। ठीक है, ऐसे ही है, 47.15% को फ्रैक्शन में करें, परसेंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 5 3 15, 5 2 20। तो ये आ गया फ्रैक्शन, इसको डिवाइड कर लें, ये फ्रैक्शन में आ गया। डेसिमल में करना है तो 3 तकसीम 20 करेंगे तो 0.15, ये डेसिमल में आ गया, ये फ्रैक्शन और ये डेसिमल। ठीक है,
उसके बाद है जी 14% को फ्रैक्शन में लिखें, 14/100, 2 7 14, 2 5 10, तो ये आ गया फ्रैक्शन 49। 3.2 को परसेंटेज में लिखें, तो बच्चे परसेंटेज में करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 3.2 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ये आ जाएगा 320%। उसके बाद 50 है, पूछा गया जी 20% कितना है इसका, 1100 का, 1100 मल्टीप्लाई 20%, परसेंट खत्म करें नीचे 100 लगता है, 10 इससे काटेंगे, 1 इससे, बाकी ज़रब कर लें तो 220 आ जाएगा, तो ये आ गया 50। 51 भी यह 15% निकालें 10,000 का, ठीक है, 10,000 ज़रबे 15%, परसेंट का नीचे 100 लगेगा, 20 इससे काट दें, बाकी आ गया 1500। 52 कहता है इसका 20% मोर कितना होगा, इसका पहले 20% ले लेते हैं ना, और इसको इसमें जमा कर देंगे तो इसका मोर हो जाएगा, एक इससे काटें एक इससे काटें, 180 आ गया, तो 900 का 20% मोर, ये मोर है, इसको इसमें ऐड कर दें, 1080, ठीक है, यानी अगर 20% 900 में और डाला जाए तो वो इतनी रकम बन जाती है, ठीक है। 640 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 850, 640 850 का कितने परसेंट है, तो बच्चों इसके लिए क्या होता है, जिसका परसेंट निकालना है ऊपर टोटल रकम नीचे मल्टीप्लाई बाय 100%, तो 640 दरबे 100 करेंगे, 20 का इजाफा, तकसीम 850, ये आ गया 75.294%। इसी तरह इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 250 कितने परसेंट है, तो इसे डिवाइड कर दें ज़रबे 100%, 20 वैसे इसे काट दें, एक इससे काट दें, 2.5 बनता है, ठीक है। ठीक है जी, ये कैसे है? बुक वाला आंसर इस सवाल का भी बच्चों गलत है, ठीक है। अब यहाँ जी 12% किस नंबर का, वो कौन सा नंबर है इसका 12% 200 है, Thank you.